स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। सन 1885 और हम लोगों ने देखा उस दिन शनिवार था। महिमाचरण चक्रवर्ती, उनका जो काशीपुर रोड पर उनका मकान था, वहाँ श्री रामकृष्ण देव और उनके भक्तों को आमंत्रित किया गया था और अक्षय कुमार सेन उनको ये बात, इसकी जानकारी यूँ कही है कि उनको हो गई थी कि देवेंद्रनाथ मजूमदार जाने वाले हैं। और अक्षय कुमार सेन को श्री श्री ठाकुर के दर्शन की तीव्र आकांक्षा थी, तो देवेंद्रनाथ मजूमदार और धीरेन्द्र ठाकुर जब किराए के बग्गी से वहाँ जाने के लिए निकल पड़े तो दौड़कर अक्षय कुमार सेन वहाँ गए। उन्होंने अपनी दोनों हाथों से देवेंद्र बाबू के मजूमदार जो हैं उनके पांव पकड़ लिए और उनसे खूब प्रार्थना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आप जहाँ जा रहे हैं आप मुझे वहाँ ले चलिए। और देवेंद्रनाथ मजूमदार तथा धीरेन्द्र टैगोर उन्होंने अक्षय कुमार सेन को अपने साथ में बग्घी में ले लिया। ये कहानी यहाँ तक हम चिंतन इसका कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए कितनी आतुरता अक्षय कुमार सेन के हृदय में होगी। यह सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की व्याकुलता या उत्कंठा उत्साह है, यह तो एक बात हो गई। वास्तव में उसके अंदर छुपी हुई जो आध्यात्मिक स्पृहा है उसी का यह एक्सप्रेशन कहा जा सकता है। और कहाँ तक ये तीव्र आकांक्षा उनके जीवन में, उनके अंतःकरण में थी, तो देखिए कोई व्यक्ति ठाकुर के दर्शन के लिए जा रहा है तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। देखिए वैसे देवेंद्रनाथ मजूमदार और अक्षय कुमार सेन देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के परिवार में दोनों ही वही नौकरी किया करते थे। हाँ देवेंद्र बाबू थोड़े सीनियर भी रहे होंगे नौकरी की दृष्टि से, लेकिन मूल प्रश्न है कि उनके पांव पकड़ लेना, यानी कहाँ तक ठाकुर के दर्शन की आकांक्षा उनके जीवन में तीव्र रही होगी, इसका यह एक बहुत सुंदर प्रमाण है। हमें भी कहीं जाना होता है तो हम जुबानी तो बहुत अरे मुझे ले चलो, अरे मुझे ले चलो ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम पांव पकड़ लें। तो घटना छोटी होती है लेकिन उससे सामने वाले के अंतर जगत का दर्शन होता है। तो संध्या हो गई थी और 5 बजे का समय था और जिस बग्गी में ये तीनों जा रहे थे महिमाचरण के घर के सामने आकर रुक गई। वहाँ राम, रामचंद्र दत्त, मनोमोहन मित्र, सुरेंद्र, महेंद्रनाथ गुप्त, विजय कृष्ण गोस्वामी, ये सभी लोग उपस्थित थे। देवेंद्र मजूमदार और इतर सब, उन्होंने सभी ने श्री श्री ठाकुर की चरण धूलि ग्रहण की और अक्षय कुमार सेन जो उन्हीं के साथ में थे देवेंद्र बाबू के, उन्होंने भी उसी का अनुसरण किया। जब अक्षय कुमार सेन श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर रहे थे तो सस्मित श्री श्री ठाकुर ने उनकी तरफ एक जैसे कृपा कटाक्ष डाल दिया और अक्षय कुमार सेन
भवन के एक कॉर्नर में जाकर चुपचाप बैठ गए और वहाँ से वे श्री रामकृष्ण देव को देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव का मोहक व्यक्तिमत्व, उनकी अपूर्व आध्यात्मिक संवाद शैली और बीच बीच में ठाकुर आध्यात्मिक संवाद करते हुए उनका जो बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था, देह भान खो जाता था और दिव्य भाव में श्री रामकृष्ण चले जाते थे, ये सब अक्षय सेन सिर्फ देख नहीं रहे थे। देखते देखते उन्होंने अनुभव किया कि जैसे एक बहुत ही अपूर्व आनंद की धारा जैसे बहने लगी हैं और उनका या वहाँ उपस्थित सभी भक्तों का हृदय एक अपूर्व आनंद से भर गया है। यह अपूर्व आनंद यह किसी भौतिक वस्तु के प्राप्ति के फलस्वरूप नहीं हुआ था, वह आनंद एक आध्यात्मिक आनंद था। वह श्री रामकृष्ण देव की अपूर्व शक्ति का एक प्रकार से प्रागट्य था, क्योंकि यह जो अपूर्व आनंद का स्रोत, ऐसा बहुत बार वर्णन आप सन्यासी शिष्यों के जीवन में या गृही शिष्यों के जीवन में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ जो मर्मार्थ हमको समझना है, यह आनंद किसी भौतिक बात पर निर्भर नहीं है। यह तो श्री रामकृष्ण देव की अपनी एक जैसे विशिष्ट पद्धति थी कि इस प्रकार से जिस जिन व्यक्तियों के अंतकरण में यह आनंद का भाव जाग उठा था, आगे चलकर ये सभी लोग इस आनंद के अनुभूति को कभी जीवन भर भूल नहीं पाते थे। और दूसरी बात, वे अधिकाधिक श्री रामकृष्ण देव की तरफ आकृष्ट भी हो जाते थे, उनकी अपूर्व आध्यात्मिक बातें सुनकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश भी ये लोग अक्सर सभी लोग किया करते थे। तो यहाँ ये जो वर्णन आता है कि एक आनंद का स्रोत बहने लगा जिसने सभी को अभिभूत कर दिया, ये तो एक अपनी अलग सी बात है। और उसके थोड़ी ही देर बाद भक्तगण जो वहाँ महिमा चरण चक्रवर्ती के यहाँ उपस्थित थे, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूँ, राम, मनोमोहन इत्यादि, विजय कृष्ण गोस्वामी, सभी लोग आंगन में संकीर्तन करने लगे, झांझ मृदंग सभी बज उठे। और ये सब देखकर श्री रामकृष्ण अपने कमरे से निकलकर दौड़कर इस नृत्य में शामिल हो गए। उनके साथ वे भी एक सुंदर भजन श्री श्री ठाकुर गाने लगे। भजन का भाव था कि देखो देखो हरि का नाम लेकर जिनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है, वे दोनों भाई आए हैं। ईश्वर का नाम लेते ही जो आनंद में ईश्वरीय भाव में नृत्य करने लगते हैं और सारे जगतवासियों को भी प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे ये दोनों भाई आए हैं। ये खुद भी, इनकी आँखों से आंसू आते हैं और ये दूसरों को भी रुलाते हैं। और ये इसके बदले कोई पापी भी होगा तो उसको हरि नाम गायन करने के लिए जैसे शक्ति देते थे, उत्साह देते थे, ऐसे दो भाई आ गए हैं। इस भाव का एक भजन श्री रामकृष्ण गाने लगे और उस दैवी आनंद से श्री श्री ठाकुर भी एक तरह से उन्मत्त हो गए और नृत्य करने लगे और बाकी लोग भी बड़े आनंद में मशगूल हो गए। बीच बीच में ठाकुर समाधि मग्न होकर किसी पुतले के समान निश्चल से हो जाते थे। उसके बाद में
थोड़ी अर्धबाह्य दशा अगर उनकी आ जाती थी तो संथ गति में फिर से नृत्य करना वे शुरू कर देते थे। ठाकुर जी का ये जो नृत्य करना था वो बड़ा ही लयबद्ध हुआ करता था और संपूर्ण वातावरण जो था वह इस तरह से आध्यात्मिक स्पंदन लहरियों से भरपूर हो गया था कि अक्षय कुमार सेन महसूस करने लगे कि जैसे वे देवलोक में विचरण कर रहे हैं। ठाकुर के समेत नृत्य करते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी वो जो थे उनकी तरफ इशारा करते हुए श्री श्री ठाकुर ने कह दिया कि यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरे कृष्ण हैं। श्री श्री रामकृष्ण देव की यह बात सुनते ही अक्षय कुमार सेन उनको जैसे साक्षात्कार हो गया, अनुभूति हो गई, ऐसा महसूस हुआ कि श्री रामकृष्ण और दूसरे कोई नहीं, यंग एज से जब वे अक्षय कुमार सेन काफ़ी युवा थे तब से जिसकी खोज में वे बड़े व्याकुल हो रहे थे वही भगवान श्री कृष्ण श्री श्री ठाकुर के रूप में जैसे उनके सम्मुख खड़े हैं। उनको महसूस हुआ कि श्री रामकृष्ण जैसे प्रेम की साक्षात घनीभूत मूर्ति हैं। रात को 9 बजे यह संकीर्तन समाप्त हो गया। भक्त लोग ठाकुर की सेवा करने लगे, कोई पंखा झलाने लगा, कोई श्री श्री ठाकुर को बर्फ़ का पानी बड़ा अच्छा लगता है इसलिए बर्फ़ का पानी लेने के लिए चला गया। महिमाचरण चक्रवर्ती ने श्री रामकृष्ण देव और अन्य जो भक्त हैं उन सभी के भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की थी। नाना प्रकार के रुचकर व्यंजन भी वहाँ थे और भोजन हो जाने के बाद ठाकुर को एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ फिर से ठाकुर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। उस वक्त यह सब देखकर अक्षय कुमार के मन में विचार आया कि श्री रामकृष्ण देव अपने अंतरंग भक्तों के सामने अपना जो असली आध्यात्मिक जो स्वरूप हैं उसको प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने ये महसूस किया कि भक्ति भी होनी चाहिए और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। और सत्य तो यह है कि भक्ति और भगवान के कृपा के बिना अवतार को या ईश्वर को पहचानना अशक्य होता है। और उसी वक्त श्री रामकृष्ण एकाएक भगवान श्री कृष्ण के भाव में भावावित होकर भावमग्न होकर एक मधुर गीत गाने लगे और उस भजन का जो भाव है कि मैं मुक्ति देने में मुझे कोई झिझक नहीं है लेकिन मैं शुद्ध भक्ति देते वक्त बहुत सोचता हूँ। जिसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हुई है वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही जगत पूज्य हैं, वही त्रिलोक जयी होता है। हे चंद्रावली सुनो, मैं भक्ति के बारे में तुम्हें कहता हूँ कि किसी को मुक्ति लाभ तो हो सकता है लेकिन ये भक्ति लाभ होना बड़ा कठिन है। देखो इस भक्ति के फल स्वरूप में पाताल में जाकर मैं बलि राजा का भी द्वारपाल होकर रह गया हूँ। इस प्रकार का एक सुंदर भक्तिपूर्ण भजन श्री रामकृष्ण गा रहे हैं जो विशेष रूप से श्री कृष्ण जी को उद्देश्य करके हैं। और इस प्रकार ठाकुर उस भजन में कहते हैं कि वृंदावन में शुद्ध भक्ति देखने को मिलती हैं
और उसका असली रहस्य तो गोप गोपियों को उसकी जानकारी हो गई थी, और मैं बता रहा हूँ कि इस शुद्धा भक्ति के कारण ही मैं नंद बाबा के घर उसका पुत्र बनकर जी रहा था, और उन सब का भार मैंने अपने कंधों पर, अपने सर पर लिया था। तो इस प्रकार ये भजन हो जाने के बाद यह उत्सव ख़त्म हो गया। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर रवाना भी हो गए। देवेंद्र धीरेंद्र अपने बग्गी में आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त रामचंद्र दत्त भी उनके साथ हो लिए। अक्षय कुमार सेन भी उनके साथ हो लिए। और ऑन द वे रामचंद्र दत्त जी ने ठाकुर के संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें बताई। जब सिमोलिया स्ट्रीट आ गया तो वहाँ रामचंद्र दत्त उतर गए और उनके साथ ही अक्षय बाबू भी वहाँ उतर गए। उसके साथ नेचुरली राम बाबू के साथ अक्षय कुमार सेन हैं। तो रामचंद्र बाबू से, रामचंद्र दत्त जी से ठाकुर की मनोहर कहानियाँ, उनके संवाद इत्यादि की बातें सुनते सुनते लगभग 2 बज गए। यही अक्षय कुमार सेन का एक तरह से श्री श्री ठाकुर का प्रथम दर्शन का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और इस प्रथम दर्शन के फलस्वरूप ही कह सकते हैं कि श्री श्री ठाकुर को फिर से दर्शन करने की व्याकुलता अक्षय कुमार के अंतःकरण में फिर से सक्रिय हो गई, और वे सतत श्री श्री ठाकुर का ही चिंतन करने में निमग्न हो गए। इस प्रकार से 2 दिन चले गए, और फिर अपने एक दोस्त के साथ, एक मित्र के साथ दक्षिणेश्वर जाने की उन्हें फिर से एक संधि प्राप्त हुई। और इस द्वितीय दर्शन में शायद श्री रामकृष्ण देव से अक्षय कुमार सेन ने बहुत से पर्सनल वैयक्तिक प्रश्न पूछ लिए, और अर्थात विशेष रूप से श्री श्री ठाकुर ने अक्षय कुमार सेन से बहुत से उनके बारे में पर्सनल क्वेश्चंस किए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि श्री श्री ठाकुर ने अक्षय कुमार सेन को उनके पर्सनल वैयक्तिक जीवन को लेकर कुछ प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न यह था कि क्या तुम ब्राह्म हो, ब्राह्म समाज में जाते हो, इस प्रकार का। और जब श्री श्री ठाकुर को ये पता हो गया कि वैसे अक्षय कुमार सेन ब्राह्मो समाज से प्रभावित नहीं है, साधारणतः ठाकुर सामान्यतः अक्षय कुमार सेन को अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने देते थे, वे ऐसा ही कह देते थे कि मन का मैल दूर हो जाने दो, फिर होगा फिर होगा। इस प्रकार से शायद श्री श्री ठाकुर ने अक्षय कुमार सेन 3 बार ठाकुर के पास गए होंगे, और तीनों बार शायद ठाकुर ने ऐसा ही कहा होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि शायद ठाकुर ने कहा कि मन का मैला दूर हो जाएंगे तब हो जाएगा, लेकिन 3 बार अक्षय कुमार सेन ठाकुर के पास जब गए तब उनके अंतःकरण में यह दृढ़ भावना जागृत हो गई कि श्री श्री रामकृष्ण देव उनको जरूर श्री कृष्ण जी का दर्शन करा सकते हैं। और उसके बाद में उनको यह अनुभूति हुई कि कृष्ण, भगवान कृष्ण और श्री रामकृष्ण अभिन्न हैं, 2 नहीं। श्री रामकृष्ण महिमा इस नाम से एक किताब है, वहाँ ऐसा एक वर्णन आता है कि वे अक्षय कुमार सेन जैसे अपनी स्मृति कथा बोल रहे हैं,
वे कह रहे हैं कि मैं श्री रामकृष्ण देव से उनसे बातचीत भी नहीं करता था या उनको मैं बहुत सारे प्रश्न भी नहीं करता था, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से जान गया था कि श्री श्री रामकृष्ण अगर किसी के छाती को स्पर्श करते हैं तो उस व्यक्ति का बाह्य ज्ञान दूर होकर शायद उसके फलस्वरूप कृष्ण दर्शन या भगवान की अनुभूति हो सकती है। और उसी आशा से मैं श्री रामकृष्ण देव के पास जाया करता था और उनके पास जाते ही जैसे मैं अलग इंसान बन जाता था, मुझ में कुछ परिवर्तन हो जाता था और मेरे मन में आता था काश श्री श्री रामकृष्ण आज अगर मेरी छाती को स्पर्श करें। बहुत दिन इस प्रकार व्यतीत हो गए, लेकिन अक्षय कुमार सेन लिखते हैं कि मेरी यह जो इच्छा कि श्री श्री ठाकुर मेरे छाती को स्पर्श करें जिसके फलस्वरूप मुझे कृष्ण साक्षात्कार हो जाएगा, मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं बड़ी आशा लेकर श्री श्री ठाकुर के पास जाया करता था, लेकिन बड़ा ही हताश होकर खिन्न मन लेकर और डबडबाई आँखों में आंसू लेकर वापस चला जाता था। वैसे अक्षय कुमार सेन लिखते हैं कि सारी ज़िंदगी का मतलब यहाँ जब तक श्री रामकृष्ण देव इस धराधाम पर सदैव विराजमान थे तो उस दौरान अक्षय कुमार सेन उनके साथ ठाकुर के साथ प्रत्यक्ष जो संवाद हैं बातचीत हैं थोड़ी बहुत, वैसे बहुत बातचीत तो करने का प्रश्न शायद नहीं क्योंकि अक्षय कुमार सेन थोड़े संकुचित स्वभाव के थे, तो दो बार उन्होंने लिखा है कि दो ही बार मैं वैसे ठाकुर से मैंने कुछ बातचीत की। एक बार वे अकेले हैं ऐसा देखकर मैं ठाकुर के पास चला गया और ठाकुर को मैंने कहा कि ठाकुर मैं अज्ञानी हूँ, तो ठाकुर ने सिर्फ इतना कहा कि वह तो हैं। अर्थात ठाकुर के कहने की भावना यह है कि भले ही तुम अज्ञानी हो या तुम्हें आँखें नहीं हैं, लेकिन यानी तुम भगवान को नहीं देख पा रहे हो या अज्ञान से तुम आवृत्त हो, भगवान नहीं, भगवान को आंखें हैं और तुम भगवान को नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ, लेकिन भगवान तुम्हें देख रहे हैं। अक्षय कुमार सेन लिखते हैं कि ऐसे ही किसी दिन वे श्री श्री ठाकुर के लिए कुल्फी ले जा रहे थे, लेकिन उस कुल्फी को श्री श्री ठाकुर ने स्पर्श भी नहीं किया। यह देखकर अक्षय कुमार सेन कहते हैं कि मैं ठाकुर से कहने लगा कि आपने मैंने लाई हुई कुल्फी उसको स्पर्श तक नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब श्री श्री ठाकुर सस्मित मुस्कुराकर कहने लगे, देखो भाई, दोपहर में अगर तुम कुल्फी ले आते तो मैं ज़रूर उसको खा लेता, लेकिन अभी रात हो गई है और इस प्रकार ये ठंडी चीज़ मैं खा लूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा और यही सब सोचकर मैंने तुम्हारी कुल्फी नहीं खाई है। और फिर अक्षय कुमार सेन एक बड़े बहुत पते की बात मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है बड़ी इम्पॉर्टेंट, वे लिखते हैं कि ठाकुर जिस प्रकार से मेरे साथ आचरण किया करते थे, शायद अगर दूसरा कोई होता मेरी जगह तो उसको ऐसा लगता कि इससे तो मौत अच्छी। उनके पास जाने के बाद या तो
उसने मौत पसंद की थी या फिर से वह श्री श्री ठाकुर को देखने के लिए नहीं जाता। बहुत से लोग श्री श्री ठाकुर की चरण सेवा करने की उनको वह सुअवसर प्राप्त हो जाता था, लेकिन जब भी मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता था तो ठाकुर अपना पाँव खींच लिया करते थे। कभी कभी मैं श्री श्री ठाकुर की चरण धूली लेने के लिए जब आगे बढ़ता था तो ठाकुर अपने पाँव पीछे खींच लिया करते थे। श्री श्री ठाकुर कुछ तत्वज्ञान को लेकर जो कुछ बातें किया करते थे, अक्षय कुमार सेन लिखते हैं कि वो सब ऊंची ऊंची बातें, वह मैं कुछ भी समझ नहीं पाता था और ऐसे वक्त मैं चुपचाप एक जगह बैठा ही रहता था और श्री श्री ठाकुर को सिर्फ देखता ही रह जाता था। देखिए, ये बड़ा, मैंने कहा ना अभी कि मेरी दृष्टि से ये एक बड़ा ही विशेष वर्णन है कि वहाँ अक्षय कुमार सेन अपने ही एक तरह से मुख से ये बात बता रहे हैं कि श्री श्री ठाकुर जिस प्रकार से मुझसे उनका आचरण होता था, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वह मौत को गले लगाना पसंद करता या फिर से दोबारा श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए नहीं आता। यानी यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि श्री श्री रामकृष्ण देव को अक्सर प्रेम के घनीभूत रूप के ऐसे शब्दों में ठाकुर का वर्णन किया जाता है, कृपा मूर्ति श्री रामकृष्ण, दया सागर श्री रामकृष्ण, इस प्रकार से ठाकुर का वर्णन हमें बहुत जगह प्राप्त होता है। तो क्या भगवान इस प्रकार किसी के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं और किसी के प्रति तिरस्कार की? क्या भगवान की दृष्टि में या भगवान की आँखों में या भगवान के आचरण में भेदभाव होता है? और अगर भगवान ही भेदभाव करते हैं, ये अच्छा है, ये जो हमने अभी देखा कि ठाकुर जो हैं उसको वो जैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में बहुत मैला है, मलिनता है, कलुषित है तुम्हारा मन, और इसलिए ठाकुर स्पर्श नहीं करने दे रहे हैं उनको श्री अंग को। तो ये सब वर्णन पढ़ने के बाद स्वाभाविक ही मन में यह विचार अगर आ जाए तो क्या भगवान इस तरह से भेद करते हैं? तो प्रश्न भेद का नहीं है, यही मैं आपको इसकी ओर ही दृष्टि आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर का उद्देश्य तो यही है। अगर श्री श्री ठाकुर अगर कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में मैल है, अभी नहीं बाद में हो जाएगा, तो देखना तो यह है, सच्चा साधक सच्चा भक्त जो होता है वह यही सोचता है कि किस कारण से मेरा मन मैला हो गया है, ऐसी क्या बात है जिससे मेरा मन मैला है, और उस मैले को अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना क्या एक साधक का कर्तव्य नहीं बन पड़ता? दूसरी बात, ठाकुर का एक उद्देश्य, भगवान का या अवतार का एक और उद्देश्य भी होता है। देखिए, आत्म परीक्षण करके अपने आप को जानकर, अपनी दुर्बलताओं को पहचानकर, उसका परित्याग करने की तीव्र आकांक्षा और उसी आकांक्षा के साथ साथ सतत प्रयत्न, बड़े उत्साह के साथ, एक विश्वास के साथ, मैं निश्चित, मेरे व्यक्तिमत्व में जो दुर्गुण है, जो दुर्बलताएं हैं, उसे मैं अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करूंगा, उससे मैं मुक्त होने का प्रयास करूंगा, वह सब बुरी आदतें या वीकनेसेस, दुर्बलताएं, उससे मैं दूर रहूंगा, इस प्रकार का प्रण लेना एक साधक के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है।
हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं, हम सिर्फ एक प्रकार से तकरार करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि क्या करें महाराज, जब ध्यान नहीं होता, भगवान में मन नहीं लगता, या भगवान जब ध्यान करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो उसी समय सारे संसार के नाना विचार हमारे मन में आते हैं। मूल प्रश्न यही है, यह सब तो होता है, लेकिन यहाँ जैसे ठाकुर अक्षय कुमार सेन के उदाहरण से हमको यह समझा रहे हैं कि देखो, जब तक तुम अपने हृदय की मलिनता का कारण क्या है उसके मूल कारण को जानकर उसका परित्याग करने का प्रयास जब तक नहीं करोगे, बात नहीं बनेगी। दूसरी तरफ बात तो यह है भक्ति शास्त्र के अनुसार कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का मैं दर्शन करता हूँ। देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने अक्षय कुमार सेन को यह जो बता दिया था, जब अक्षय कुमार सेन ने श्री ठाकुर को कहा कि ठाकुर मैं अंधा हूँ अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, तो जवाब में ठाकुर ने क्या कहा, भगवान है। अर्थात ठाकुर का कहने का उद्देश्य यह था कि भले ही तुम अंधे हो, अज्ञान से आवृत्त हो, लेकिन भगवान अज्ञान के कारण आवृत्त नहीं है। और यह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात है। हम मंदिर जाते हैं, चाहे वह मठ का मंदिर हो, चाहे और कहीं राम जी का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, हमें याद रखना है। जब हम मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उस वक्त हमारा एहसास तो यही होता है कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, लेकिन उसी वक्त हमें उससे कई गुना हमारे अंतकरण में यह प्रबल भावना होनी चाहिए कि मैं जिनके सामने झुक रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, वे मेरे प्रभु, वे यहाँ सामने सहास्य साक्षात विराजमान है और वे मुझे देख रहे हैं। आध्यात्मिक साधना की यह एक बहुत बड़ी बात है। आज बस यहीं रुकते हैं, आगे की कहानी अगले प्रवचन में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।